हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साईश कोचिंग क्लासेस। विषय हिंदी लोक भारती, दूसरी इकाई, कविता क्रमांक 8, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, जिसके कवि बाल कवि बैरागी। इनकी एक काव्य रचना आज हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, जो इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी दोस्तों को निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के साथ अपना चैनल शेयर कर लीजिए, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर लीजिए, ताकि आपको भी नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आएंगे और जिस तरह आप अध्ययन करते हैं उस तरह आपके दोस्त भी अध्ययन कर सकेंगे। तो अपनी गंध नहीं बेचूंगा इस कविता में बाल कवि बैरागी इन्होंने स्वाभिमान मनुष्य की जो स्वाभिमानी रहने की जो प्रेरणा है, इसे फूल के इस गुण का मनुष्य को भी अपनाने चाहिए और इसके लिए जो प्रेरणा इन्होंने इस कविता के माध्यम से दी है। तो चलो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम चालू करते हैं हमारी कविता अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ठीक है दोस्तों, जिसके कवि बाल कवि बैरागी है उनका भी हम परिचय करके लेंगे। जिनका जन्म जो 1931 में मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ है, जीवन के आरंभिक दिनों से ही संघर्ष को साथी बना। उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंद रामदास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित है। यानी उनका असली नाम क्या है, नंद रामदास बैरागी, और इस कविता के क्षेत्र में उनको किस नाम से जाना जाते हैं, तो बाल कवि बैरागी नाम से जाने जाते हैं। आप साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय है। आपकी रचनाएँ ओज गुण संपन्न है। आपके जीवन का संघर्ष, जोश, ओज, हौसला और प्रेरणा शब्द रूप में कविताओं में ढल गए। आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ गौरव गीत, दर्द, दीवानी, काव्य संग्रह आदि। पद्य संबंधी में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। पद्य संबंधी में क्या है कि एक प्रकार का गीत उन्होंने हमारे सामने रखा है और प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। ऐसे यहाँ पे ये जो कवि और जैसे गीतकार हम कह सकते हैं बाल कवि बैरागी हमें कह रहे हैं। चलो देखते हैं कविता अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ओके, चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे सौ फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। आगे चलकर कह रहे हैं, जिस डाली में गोद खिलाया, जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोंपल ने दी अनुराई, लक्ष्मण की जैसी चौकी देकर जिन काटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुरियों के रिश्ते जोड़े, वो मुझ पर मंडराने वाले, मेरा मोल लगाने वालों, जो संस्कार मेरा संस्कार बन गए, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अभी यहाँ पे गंध माने फूल की एक सुगंध, यहाँ पे अर्थ हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक कोंपल जो है, कोंपल मतलब क्या कि पेड़ की नई कोमल पत्ती, हम ऐसे बोलते हैं, जैसे कि अपन म्हणतो ना अंकुर फुटला है मराठी मध्ये, तसं आपण इथे कोंपलचं इथे काय म्हणू शकतो, अर्थ घेऊ शकतो। अरुणाई माने ललिमा, बराबर है। और यहाँ पे लक्ष्मण जैसी चौकी, चौकी माने क्या कि पहारा देना रहता है ना, तो उसे हम चौकी कहते हैं, चौकी पहारा, बराबर है। और हक माने तो आपको मालूम ही है, दैट इज अधिकार रहता है।
नोचना, नोचे तोड़े, बराबर है। नोचना मतलब क्या, झटके से उखड़ना, बराबर है, झटके से उखड़ना, बराबर है। पंखुरी, यहाँ पे एक पंखुरियों के रिश्ते जोड़े, पंखुरी मतलब फूल की पत्ती बोल सकते हैं या पुष्प दल देखिल बोल सकते हैं। और मंडराने वालों मतलब क्या, किसी के आसपास चक्कर काटना, बराबर है। सो यहाँ पे इधर संस्कार का अर्थ ऐसा है कि पवित्रीकरण कह सकते हैं या व्यवस्था या शुद्धि भी बोल सकते हैं। और सौगन मतलब हम बोलते हैं कसम, बराबर है, मराठी में हम बोलते हैं शपथ। तो ठीक है, अभी इस पद्यांश का हम क्या करते हैं, अर्थ देखते हैं कि क्या है, क्या बताना चाहते हैं कवि हमें। अभी कवि जो बोल रहे हैं कि स्वाभिमानी फूल जो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, पर वह किसी भी हालत में अपना स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देना चाहता, बराबर है। वो बोल रहा है कि मैं गंध नहीं बेचूंगा। वह कहता है कि सारे फूल बिक जाए, केवल फूल ही नहीं चाहे उपवन भी बिक जाए, जहाँ सारे फूल उत्पन्न होते हैं वो उपवन वो भी बिक जाए, सारी बाहर क्यों न बिक जाए, पर वह अपनी सुगंध को जिसे वह अपना स्वाभिमान मानता है वो क्या करेगा, किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। ऐसा यहाँ पर फूल के माध्यम से कवि हमें इसका अर्थ हमारे सामने उन्होंने रखा है। आगे चलकर ऐसे बोलते हैं कि फूल कहता है कि जिस डाल ने उसे अपनी गोद में खिलाया है, बराबर है, जिस डाल ने उसे अपने गोद में खिलाया है और जिन कोंपलों ने क्या दी है, अरुणाई दे दी है, प्रदान की है, और जिन कांटों ने लक्ष्मण जी की तरह पहारा देकर उसे तोड़े जाने से बचाया है, बराबर है। जो मतलब कांटों ने इधर क्या, कांटों क्या कर रहा है, कांट उसको तोड़ने के लिए हम बोलते हैं ना, कांटा अगर बोता है हमको तो हम ज़्यादा करके फूल नहीं तोड़ते। तो जैसे फूल बोल रहा है कि जैसे लक्ष्मण जी ने की तरह पहारा देकर उसे तोड़े जाने से वो कांटों ने उसको बचाया था, उन्हें वह कभी भूल नहीं सकता, बराबर है। उनका वह ऋणी है और उस पर उनका पहला अधिकार है, किनका, कांटों का, किसके ऊपर, फूलों के ऊपर, बराबर है। वे चाहे उसे नोचे या तोड़े वह उफ तक नहीं करेगा, ऐसा वो फूल कह रहा है। वह और कवि कहते हैं, अगर फूल कहता है अगर चाहे मुझे तोड़कर किसी मालिन को दे दे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह चारों ओर से अपने ऊपर नजरें गड़ाने वाला और उसकी कीमत लगाकर उसे बाजार में बेचने वालों से कहता है कि उसने अपनी सुगंध को न बेचने की, जो सौगंध खाई है उसे उस संस्कार बन गई है और उसका सौदा कभी नहीं कर सकता, और इसलिए फूल कहता है वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेचोगा। ओके, चलो आगे का पद्यांश देखते हैं क्या कहते हैं। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा, कोमल भौरों के सुर सरगम, पतझारों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना, ओ नीलम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अभी यहाँ पे मौसम माने आपको तो पता है, हम ऋतु कहते हैं, समय कह सकते हैं या काल भी कह सकते हैं, और यहाँ पे दाता मतलब देने वाला, बराबर है। दाता मतलब क्या होता है, देने वाला रहता है, उसे हम दाता कहते हैं। और यहाँ पर अगर ये कोमल भौरों के सुर, यानी यहाँ पे सुर मानो कि आवाज हम कह सकते हैं, और पतझारों मतलब क्या, कि जिसमें पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, जैसे कि हम शिशिर ऋतु में देखते हैं पेड़ों के जो पत्ते पूरे से झड़ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पतझारों बोलते हैं। और पिचकारी का जादू टोना, यानी मतलब क्या, कि पिचकारी मालूम, आपको मालूम रहेगा कि होली के दरमियान आप क्या करते हैं, रंग खेलते हैं, पानी उड़ाते हैं, उसके साथ जो यंत्र उसे हम पिचकारी कहते हैं, बराबर है। और नीलाम माने क्या, तो बिक्री का एक ढम रहता है, इसे हम नीलाम कहते हैं।
जिसमें वस्तु क्या रहती है, उपस्थित खरीदाव में मतलब लीलाव, लीलाव अपन म्हणतो मराठी मध्ये, सबसे अधिक मूल्य देने वाला जो है उसे हम नीलाम कहते हैं। इस तरह से ये कुछ अर्थ मैंने आपको यहाँ पे बताया। अभी कविता का इस पद्यांश का हम अर्थ देखते हैं। अभी फूल क्या कहता है कि मौसम कैसा भी हो, मौसम का उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो हर स्थिति में अपने को स्थिर रखने में रखने की कोशिश करेगा और स्थिर रखने का रखने में ही वो सक्षम मानता है। उसे किसी से कुछ भी पाने की क्या नहीं है, आकांक्षा नहीं है। वह लाभ या हानि की कोई परवाह नहीं करता, न उस पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव पड़ता, और वह किसी चीज़ से घबराता भी नहीं है, घबराता है चाहे उसकी कोमल कोमल पंखुड़ियों पर भौरे के गुंजन का सरगम सुनाई देता हो, अथवा पतझड़ का जो मौसम है और वह मुरझाई हुई दशा में हो, या उस पर कृत्रिम फुहारों डालकर सांत्वना दिया गया हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी बोली लगाने वालों और पल पल अपनी कीमतें अंकने वालों की संबंधित करते हुए कहता है, मैंने आपसे अपने स्वाभिमान का अनुबंध कर लिया है और यह ठान लिया है कि मैं अपने स्वाभिमान पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। मैं उस अनुबंध को किसी भी हालात में दाव पर नहीं लगा सकता, अर्थात मैं उसका कभी सौदा नहीं कर सकता। फूल कहता है वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेचूंगा। अभी यहाँ पे अनुबंध नहीं बेचूंगा मतलब क्या, वो प्रतिज्ञा करता है, समझौता करता है कि चाहे कितना भी कुछ भी आ जाने दो मेरे ऊपर, लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरा गंध कभी नहीं बेचूंगा। इस तरह से यहाँ पर ये दूसरी जो पद्यांश है उसका भी अर्थ हमने देख लिया है। अभी तीसरे पद्यांश में हम चलते हैं। क्या कहते हैं तीसरे पद्यांश में, मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ए मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं। मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा से ये गीत लिया गया है। अभी अंत माने क्या, मृत्यु हम कह सकते हैं यहाँ पर। मृत्यु, मुझको मेरा अंत पता है, अंत मतलब यानी यहाँ पर अर्थ लिया जाएगा मृत्यु। ओके, और झरना तो आपको पता ही है, बराबर है, झर जाऊंगा मतलब गिर जाना, बराबर है। उसके बाद यहाँ पर भूल चूक की माफी मतलब क्या, गलतियाँ। और यहाँ पर और एक अर्थ हम मैं बताना चाहता हूँ, मंडी। मंडी माने क्या, तो बाजार हम कह सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे भाजी मंडी है तो उसे हम भाजी मंडी हिंदी में कहते हैं, लेकिन मराठी में हम भाजी मंडी कहते हैं, बराबर है। मंडी माने बाजार, बराबर है। खरीदी बिक्री का स्थान जिसे हम मंडी कहते हैं, बराबर। खुददारी, खुददारी मतलब आत्मसम्मान कह सकते हैं और स्वाभिमान कह सकते हैं। और प्रतिबंध मतलब रोक, बराबर है। तो चलो अभी इस तीसरे पद्यांश का हम अर्थ देखते हैं। फूल कहता है कि इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है, एक ना एक उसका अंत होना भी निश्चित है। वैसे वह कहता है कि यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरा भी एक दिन क्या होने वाला है, एक दिन अंत तो होने वाला है, और उसे ये भी मालूम है एक दिन वो पकुड़ी पकुड़ी करके क्या करेगा, झर जाएगा मतलब गिर जाएगा। पाकड़ी पाकड़ी, पंखुरी पंखुरी मतलब पाकड़ी पाकड़ी ने तो काय होणार आहे, त्यांचा मृत्यू होणार असं त्यांना इथे सांगतायत। ओके, पंखुरी पकुरी होकर जर जाने वाला है ऐसा वो कहता है, अंत हो जाएगा। पर इसके पहले मैं मतलब कौन, फूल हवा के साथ क्या करना चाहता है, पवन माने हवा, हवा के साथ उड़कर वातावरण में फैलकर एक एक के पास एक एक के घर जाना चाहता है, घर जाऊंगा और उसकी जो सुगंध है उनसे जाने अनजाने में किए गए गलतियों की माफी मांगेगा, ऐसा वो कहता है। उस आगे चलकर फूल कहता है कि उस दिन बाजार और बाजारों में खरीद मतलब मंडी जो कहते हैं खुद मंडी लगाने वाले
बराबर है, मंडी में बाजार में जाकर खरीदारी करने वाले लोगों को यह बात समझ में आएगी कि स्वाभिमान क्या होता है और इसके सम्मान के लिए लोग हर प्रकार का क्या करते हैं, त्याग करते हैं और त्याग करने के लिए तत्पर भी रहते हैं। आगे चरकल फूल कहता है कि किसी के हाथों में बिकने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ और अपने देश की मिट्टी में मिल जाऊँ। वह कहता है, मैंने अपनी इच्छा से अपने शरीर पर जो प्रतिबंध लगा लिया है उस प्रतिबंध को मैं कभी नहीं बेच सकता। और इस तरह फूल के स्वाभिमान को मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए और उसे भी किसी लालच में आकर कभी अपना स्वाभिमान बेचना नहीं चाहिए। इस तरह से कवि हमें यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि जैसा फूल अपने स्वाभिमान को कभी बेचना नहीं चाहता, वैसे हर एक मनुष्य ने उस फूल जैसा स्वाभिमान अपनाना चाहिए हर एक मनुष्य ने। और क्या करना चाहिए, तो किसी भी लालच में आकर अपना स्वाभिमान नहीं बेचना चाहिए। ऐसा बहुत ही अच्छी तरह से संदेश यहाँ पे हमारे जो कवि है बाल कवि बैरागी, ओके, इनका ये कवि क्षेत्र में दिया हुआ नाम है। वैसा उनका नाम तो क्या है, तो नंदराम दास बैरागी इन्होंने हमारे सामने ये रखा है। और मुझे आशा है कि ये जो कविता है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, जिसके कवि बाल कवि बैरागी है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई रहेंगी। मैंने पूरे कोशिश की है कि आपको तीनों पद्यांश अच्छी तरह से समझाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का